हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ मेरी टोटल जितनी भी मेरे पास ऑक्सीडाइज की ईयर रिंग्स है। जी हाँ, मेरे ईयर रिंग्स कलेक्शन लेके आई हूँ। जितने भी मेरे पास ऑक्सीडाइज हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। ऐसे भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़े प्रोडक्ट हैं। धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे, कलेक्शन अपन बढ़ाते जाएंगे और मैं आप लोग के सामने लेके आते जाऊँगी। तो ये कुछ कुछ है, कुछ ईयर रिंग्स हैं, मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके दिखाते जा रही हूँ। तो मैं अपना पिटारा को पहले खोल लेती हूँ। तो मेरा पिटारा खुल गया है। सबसे पहले तो ये वाले कलेक्शन इतनी लाइट वेट है, इतनी लाइट वेट है कि मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत अच्छी झुमकी स्टाइल में है। इसमें ब्लैक कलर के ये लटकन दिया हुआ है, स्टोन्स है। तो ये मैंने शायद ऑनलाइन मंगाया था या ऑफलाइन लिया था, मुझे याद नहीं। क्योंकि सबसे पहले जब ऑक्सीडाइज का जब चलन स्टार्ट हुआ था तो मैंने ऐसे ही सबसे पहले बाय किया था। तो मेरा सबसे पहला बाय जो है वो ये है। दिस इज़ माय फर्स्ट बाय ऑफ ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स। तो पहला कलेक्शन तो ये है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। मीशो में भी मिल जाएंगे, मीशो में आजकल क्या नहीं मिलता, सब मिल जाता है। और सेकेंड जो है ये, दिस वन, दिस इज सेकेंड। बहुत प्रिटी है और इसका वेट है, थोड़ा सा हैवी है और लॉन्ग है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं पहनती हूँ, लेकिन मुझे कलेक्ट करना बहुत पसंद है, मुझे जमा करना अच्छा लगता है। और जहाँ मुझे दिखता है तो मैं तो बिल्कुल उठा लेती हूँ, लेकिन पहनना नहीं हो पाता। लेकिन जैसे कभी कभी मन चला तो मैं पहन भी लेती हूँ खुले बाल में। और अच्छे से आप तैयार हो जाइए तो फिर तो बहुत अच्छा लगता है पहनना। तो ये मेरा सेकेंड था, मैं इसको यहाँ पे रख दूँ। उसके बाद जो है ये है मेरा थर्ड। बहुत सुंदर डिज़ाइन है ये भी, ये देखें, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था, 50 रुपीज़ का मुझे ये पेयर पड़ा था। और ये भी बहुत लाइट वेट है, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और मुझे इसे कैरी करना बहुत पसंद आता है। ये स्पेशली मैं इसको टॉप में भी पहन लेती हूँ, शॉर्ट वाली कुर्ती में भी पहन लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो ऐसा नहीं है कि इसे आप पहने हैं तो आपको बहुत हैवी लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो ये है और इसे मैं रख देती हूँ। नेक्स्ट ईयर रिंग ये है इसका सेट, जो कि मैंने आपको, जिसको मैंने अपने ज्वेलरी वाले जो कलेक्शन में है उसका सेट, उसमें इसका सेट दिखाया था। और मैंने बताया था कि मैं सेट में से ईयर रिंग्स को निकाल के अलग रख लेती हूँ, क्योंकि सेट पहनना कम होता है, ईयर रिंग्स तो अपन कभी भी पहन लेते हैं, इसलिए मैं इसे अलग निकाल के रखती हूँ। उसके बाद फिफ्थ जो है मेरे पास ये है, इसका भी सेट मैंने दिखाया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका चोकर था, उसका ये कान का है, और मुझे ये 200 का मैंने इसे मीशो से ख़रीदा था। और ये बहुत सुंदर है, बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा है। तो ये रहा। उसके बाद मैं अपना ये दूसरा वाला पिटारा को भी खोल के दिखाती हूँ आपको। ये रहा कुछ झुमका, ये देखिए, ये तो मैंने इतनी यूज़ कर रख के रखा, ये तो मैंने इसे इतनी बार पहन के रखा है कि इतनी बार पहना है कि अब मुझे याद भी नहीं कि मैंने इसे कितनी बार पहना है। बहुत बार कुछ नहीं मिलता तो चलो वही पहन लेते हैं। उसके बाद ये आपने मीशो में देखा ही होगा, बहुत लोग इसे वेयर करते हैं। उसी हिसाब से मैंने इसे ख़रीदा था, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं तो नहीं पहन पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। लेकिन आप इसे अगर हैवी पहनते हैं तो यू कैन डेफिनेटली वेयर दैट, बहुत अच्छा लगने वाला है। और कई लोगों में बहुत ज़्यादा खिल के आता है, और कई लोगों में लॉन्ग लॉन्ग जो ईयरिंग्स होती हैं बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे पहन सकते हैं और इसे आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगने वाला है, आपके फेस को इन्हेंस करने वाला है। तो ये था, और ये मीशो में था, 200 का था या 180 ऐसा कुछ का था। अगर इसका लिंक मैं मुझे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और ये आपको बाय करना है तो इसे मैंने मीशो से ख़रीदा। डार्क ऑक्सीडाइज वाला जो कलर होता है ना, वो वही है, मैंने उसी इंटेंशन से इसे ख़रीदा था। सो नेक्स्ट वी हैव दिस,
इसका भी सेट मैंने दिखाया था उस वीडियो में, और इसका जो लॉन्ग जो हार था लेयर्ड वाला जिसमें स्टोन्स बने थे ऑरेंज और हॉट पिंक कलर का, ये उसका ही इयररिंग्स है, सेट में मिला था। इसे भी मैंने मीशो से ही ख़रीदा था। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर है, लाइट वेट है और बहुत अच्छा लगता है इसे पहनने में, और इसे साड़ी में भी आप पहन सकते हैं, बहुत प्रिटी लगता है। तो ये है, बताइए ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और इसे ख़रीदना है तो इसका लिंक मैं भी डाल दूँगी, ऐड ऑन कर दूँगी, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड पिटारा मैं खोलती हूँ। ये देखिए, ये वाले ऑक्सीडाइज है इयररिंग्स, जिसमें ये स्टोन्स लगे हुए हैं, ग्रीन कलर के कुंदन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं नहीं पता, ग्रीन कलर के कुंदन लगे हैं, इसमें स्टड पीछे दिया हुआ है। ये देखिए, बहुत अच्छा है। ऐसे मैं ग्रीन कलर की मेरी एक साड़ी थी उस पर मैंने इसे पहना था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत लोगों ने पसंद भी किया था। इसे मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था, ये मुझे 200 का पड़ा था, मैंने शॉप से लोकल जाके ख़रीदा था। तो ये है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद ये है, ये भी बहुत सुंदर लगता है, इंडो वेस्टर्न बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। ये देखिए, रिंग वाले हूप्स बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा पसंद आए, लाइट वेट है, 50 रुपीज़ के हैं, बहुत सस्ते में मुझे मिल गए थे, और बहुत अच्छा, अब काफ़ी दिन से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी दिन से चल रहा है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये, देती हूँ। उसके बाद ये है, ये 50 रुपीज़ का मैंने लोकल ख़रीदा था। ये देखिए, हुप्स है, बहुत लाइट वेट है, ऐसा लग रहा है कि कुछ मैंने हाथ में रखा ही नहीं है, इतना लाइट वेट है। उसके बाद जो नेक्स्ट, ये बहुत पहले ख़रीदा था, पता नहीं कितने 2020 का रहा होगा, बहुत पहले मैंने इसे ख़रीदा था, और इसे तो पहनती नहीं हूँ, बस ख़रीद के मैं रखी हूँ। और ये एक लटकन है, ये देखिए, ये पीछे दिया हुआ था उसके साथ वाला लटकन। तो गाइस, ये थे कुछ मेरे इयररिंग्स के कलेक्शन ऑक्सीडाइज वाले। इसका सेकंड पार्ट भी यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्द ही आप लोग के सामने लेके आई हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी करके मैंने इसे पार्ट में डिवाइड कर दिया था, और भी मेरे पास कुछ और कलेक्शन है, तो मैं सेकंड पार्ट भी इसका बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बहुत जल्दी मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। Bye, take care.